सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। सत्संग से सोधि आवे, नहीं जीव चौरासी में जावे। अब मेटो द्वेष और राग, ओ राग या उम्र बतेरी जाली। अब मेटो द्वेष और राग, हो राग या उम्र बतेरी जाली। एक दरोगा जी SHO अपनी घोड़ी पर सवार होकर, पुराने समय की बात है, और किसी दूसरे शहर में गांव में जा रहा था किसी काम बस। उसमें किसान रेट चला रहा था, बैलों से चलता हर हट। उसमें कोल्लू सा होता है और उसके ऊपर एक चैन बनाई जाती है, उसके बाल्टियां फिट करके कुएं से पानी निकालती है, भर भर के आती है, बाहर नाली में डलती है। वो खेतों में सिंचाई होती थी पहले पुराने समय, और बैलों से चलाया जाता था। और वो लंबी एक पार्ट हुआ करती, लंबी लकड़ सा, उसको उस कोल्लू से फंसा कर बैलों के पीछे जुए में डाल बांधा जाता था। तो वो चलता था, जब उसमें कुछ तो उन पतियों का शोर जो बाल्टी बना रखी थी, कुछ उस घूमने से उस लोहे के उस पार्ट कर कोल्लू का जो है ना शोर, वो चूं चर्र यूं करते चलिया करते। अब रेहट चला रहा था किसान, पानी बाहर आ रहा था। SHO दरोगा जी को भी प्यास लग रही थी और घोड़ी प्यासी थी। दरोगा जी ने सोचा यहाँ पानी पिलाते हैं। जब वो निकट लेकर आया तो वह घोड़ी उस शोर से डर कर दूर भागी, बिदक की चू चू चू। तो SHO ने कहा कि किसान ये शोर बंद कर, ये चू चू बंद कर। उसने बैल रोक दिए, वह चू चू बंद होगी, पानी भी बंद हो गया। वो पानी जो आगे गया था वो खेतों में पी लिया, थोड़ा बहुत पड़ा। तो उसने कहा, फिर घोड़ी निकट लाके वो कहने लगा कि पानी निकाल। उसने फिर वो बैल स्टार्ट कर दिए, वो फिर चर्रचू हुई, घोड़ी फिर बाजगी, एक किला जाकर डटी। अब उसने कहा दरोगा न रे चू चू बंद कर, उन्हें फिर बैल रोक दिए, अगले कर दी चू चू बंद। वो निकट आए, इतना पानी पाया ना, पानी निकाल, पानी तो चू चू तो निकले। वो फिर चला हुआ, फिर भागी। किसान बोला पीना हो तो पी लो, इस चू चू में पीना पड़ेगा ना, दोनों मरोगे। इस चू चू में पी लो, पीना होता है क्योंकि पानी भी सब निकलेगा। तो पुण्यात्माओं, ये हमारे न्यू ये करना है वो करना है, भक्ति फिर कब करेंगे, ये है ये तो चले गए। इस चू चू में ही ये पीना है तो पी लो, नहीं तो जीवन नाश हो जाएगा। लूट सको तो लूट लो, ये राम नाम की लूट, पीछे फिर पछताओगे भाई, प्राण जहांगे छूट। नहीं भरोसा देही का, ये विनस जावे चिन माही, श्वास उश्वास में नाम जपो भाई, और यतन कछु नाही। श्वास उश्वास में नाम जपो, व्यर्था श्वास मत खो, ना जाने इस श्वास को हो, आवण हो क न हो। जिव्या तो वाहे भली भाई, जो रटे हरि नाम, नहीं तो काट के फेंक दियो, ये मुख में बलो ना चाम। अब देखो पुण्यात्मा, मनुष्य जीवन की कितना महत्व बताया भगवान ने। और ये जीवा तो कहते हैं, वैसे तो जीवा का बहुत गणा योगदान है हमारे शरीर में, बॉडी में, लेकिन इसका विशेष काम है भगवान की चर्चा करना, अच्छे शब्द बोलना, परमात्मा के गुणगान करने के लिए जीवा दी है। जीवा तो गधे का भी है, जीवा तो कुत्ते का भी है, जीवा पशु पक्षी यानी बैल के भी है, भैंस के भी है, लेकिन वो बोल तो नहीं सकते। तो इस जीवा का आपके लिए विशेष इसलिए बताया परमात्मा ने उपयोग इसका, कि भगवान की भक्ति करें। कहते नहीं तो आप क्या करते हो कि इस जीवा का दुरुपयोग करते हो,
किसी को कुशब्द बोल देते हो और तगड़ा व्यक्ति है, बलवान व्यक्ति है, और एक निर्बल व्यक्ति को कोई ऐसी घटिया बात कह देता है, अब वो ना तो लड़ सकता उसके साथ, ना उसका कोई मुकाबला कर सकता, तो वो बैठ कर रोया करे। तो कहते हैं आपने उसका जख्म कर दिया इस जीव रूपी तलवार से, या किसी की आप झूठी गवाही देते हो, 100 झूठ बोलते हो, अपने पेट भरने के लिए अटपट करते हो, तो इस जीव का आप दुरुपयोग कर रहे हो। इसका सदुपयोग है भगवान की भक्ति करे और सब तो मृदु बोले, मीठा बोले, प्यार से रहे, किसी की आत्मा ना दुखे, क्योंकि जब आपको डर होगा तभी आप में ये गुण आवेंगे, और डर होगा ज्ञान ते, जैसे बालक है, अनजान बच्चा है, बिजली के तार न पकड़ लिए जिसमें बिजली होती है, स्पार्किंग कर रहा होता है, और जब वो शाना होगा तो उसे डर बन गया कि ना ये तो खतरनाक चीज है, तो उसे अवश्य डरेगा, निकट भी नहीं जाएगा। तो इसी प्रकार इस ज्ञान से आप इतने शाने हो जाओगे, फिर ये गलती नहीं करोगे। जैसे कोई जहर रखा किसी बोतल में और बालक तो पी जाओ मुंह ला के, उसको पता नहीं, और आपको पता लग गया कि इसमें विष है, तो निकट भी ना जाओ, औरों ने भी कहोगे ना हाथ ना लगाओ, इसको दूर रख दो उठा के। तो उसके लिए जब ज्ञान हो जाएगा तब आप कैसे महसूस करोगे, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, कहो कौन तिस खावे राम रंग होरी हो। आज तो आंख मीच के अंधे हो गया समाज, लूट लो, रिश्वत ले लो, फलाना कर लो, जोड़ दो बैंक, कहते जहर खा रहे हो, विष खा रहे हो आप। और जब तुम्हें पता चलेगा कि ये विष है, जैसे किरका जहर का रंग होरी हो, और कहो कौन तस खावे राम रंग होरी हो। एक जहर का कण पड़ा हो और अपना पता है मेज पर जहर का कण है, कहते कौन हाथ लावे, और तुम खाओ किलो किलो, यो तो एक कण तो खतरनाक है। तो उस समय आपको एक नया पैसा भी वो विष का कण दिखाई देगा, किसी से लेना, बिना ज्ञान का लदते जा रहे हो दूसरों के पाप सिर पर धर के, और लदते जाओगे यहां से मालगाड़ी भर के पापों की, असंख्य जन्मों में भी पूरे ना होंगे ये भोग के, कहते गधे बनोगे, किसी की भैंस बनोगे, किसी का बैल बनोगे, और ना चलोगे तो लटकाओगे। अपने आत्मा